हे गाइस, माय नेम इज सुल्तान, माय नेम इज मलाइका और आप देख रहे हैं मी वर्सेस यू ऑफिशियल। भाई कमेंट आज मैं बहुत ज्यादा जो है ना, यकीन कीजिए आज कमेंट रीड कर करके हंसी नहीं लग रही है। आज BTS के जो सब्सक्राइबर हैं वो एज यूजुअल अपने कमेंट कर रहे थे, भाई इस पे आप लिंक देना है, उस पे आपने जो है वो रिएक्शन देना है आपने। और जो बॉलीवुड वाले वो BTS वालों के तो चित्रोल करने में लगे हुए। अब मुझे BTS पे बॉलीवुड वाले करते हैं और फिर बॉलीवुड पे BTS वाले करते हैं। बॉलीवुड के जो सब्सक्राइबर हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो BTS को स्टॉप कर दें और बॉलीवुड पे अब आप आ जाए रिएक्शन देने के लिए, क्योंकि बॉलीवुड में अभी बहुत सारी मूवीज जो है वो न्यू आने वाली हैं जिनके ट्रेलर आ चुके हैं और बहुत सारे सॉन्ग्स न्यू आ चुके हैं बॉलीवुड के, जिन पे रिएक्शन हमें देना चाहिए, लेकिन हम BTS से फारिग नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से हम बॉलीवुड की तरफ नहीं जा रहे। और साउथ का भी हाल है, साउथ की तरफ से भी सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि भाई आप साउथ पे क्यों रिएक्शन नहीं दे रहे। तो देखें, मैं पहले भी वीडियो में आपको ये बता चुका हूँ और आज फिर इस बात को मैं मेंशन कर दूँ कि BTS की जो इस वक्त रिक्वेस्ट आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है, और इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि अगर मैं परसेंटेज में आप लोगों को बताऊं तो 80% सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइबर हैं और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं 80% BTS की जो है वो रिकमेंडेशन लेकर आ रहे हैं कि आप BTS पे रिएक्शन दें, BTS पे मेगा एपिसोड बनाएं। और अब तो सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं कि आप लिंक छोड़ रहे हैं, सब्सक्राइबर ये कह रहे हैं कि BTS के जो लिंक्स हैं वीडियोज के वो आप छोड़ रहे हैं, आपका जिस पे दिल करे आप वो बना लें, क्योंकि जो वीडियोस आप इनकी BTS की उठाएंगे वो आउटस्टैंडिंग है, अमेजिंग है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि BTS की जितनी वीडियोस पे हमने रिएक्शन दिया है वो अमेजिंग रही है और हमें रिएक्शन देने में काफ़ी मज़ा आया है, बहुत कुछ न्यू देखने को मिला है जो इससे पहले नहीं। बॉलीवुड एक अपनी जगह है, बॉलीवुड एक अपनी जगह है, साउथ एक अपनी जगह है, BTS तो भाई BTS की देखें इस वक्त बहुत ज़्यादा, आप यकीन कीजिए मैं सब्सक्राइबर की सुन रहा हूँ कि मैं बॉलीवुड जो फैंस है मेरे, मैं उनसे हाथ जोड़ के ऐसे जो है वो सॉरी करता हूँ, माजरत करता हूँ कि मैं उन, ऐसा नहीं है कि उनके जो है वो मतलब BTS वालों की मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ और बॉलीवुड वालों की मैं नहीं सुन रहा, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि BTS के दरमियान भी हमने जो है वो बॉलीवुड पे रिएक्शन वीडियो बनाया है, उसकी वजह ये है कि बॉलीवुड की भी रिक्वेस्ट ज़्यादा थी, जिन पे आपको बॉलीवुड की रिएक्शन वीडियो देखने को मिली है उन पे रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमें BTS को स्टॉप करके बॉलीवुड की तरफ जाना पड़ा। BTS हमारा स्टॉप ही नहीं हुआ, BTS की रिकमेंडेशन ज़्यादा है ना, BTS का सब्सक्राइबर इतना है, BTS जो है वो देखें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनकी बात भी कर रहा हूँ, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनकी तरफ से भी लिंक आ रहे हैं, अब वो उनका अपना उनका शौक है कि अगर वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, मैं उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको वीडियो में मज़ा आना चाहिए। मैं हर वीडियो में ये बात मेंशन करता हूँ कि आप लाजमी चैनल को, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो देखें, इन्जॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए आप, तो मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो जो नॉन सब्सक्राइबर है ना वो तक जो है वो इंस्टाग्राम पे और कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप जो है वो इस वीडियो पे दें, इस वीडियो पे दें, इतने लिंक्स आ रहे हैं कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ। ज़्यादातर अभी BTS पे ही आ रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि अगर हम डेली बेसिस पे भी मेगा एपिसोड बनाए ना BTS की और एक एक मेगा एपिसोड में दो लिंक हम BTS के ऐड करके अगर हम रिएक्शन वीडियो बनाए तो मैं समझता हूँ 30 डेज में भी वो लिंक्स ख़त्म नहीं होंगे, 30 डेज में, एक महीने में भी वो लिंक्स ख़त्म नहीं होंगे, इतने लिंक्स हैं BTS के। और काफ़ी 2016, 2017, 2018, 2019 हर साल के वीडियोस के लिंक जो है वो हमें मिल रहे हैं और बहुत कुछ है, लिंक प्रोवाइड हुआ है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है इसकी और बहुत ज़्यादा प्यार है सब्सक्राइबर का। तो जा रहे हैं जी बॉलीवुड की तरफ भी जा रहा है, बहुत कुछ काम बाकी है बॉलीवुड में, बहुत काम बाकी है बॉलीवुड में, बहुत कुछ देखना बाकी है बॉलीवुड में। तो जो बॉलीवुड के सब्सक्राइबर हैं मैं उनको एकदम शॉक करूँगा, उनके लिए मैं कुछ ऐसा लेकर आऊँगा कि अचानक जब वो देखेंगे तो वो कहेंगे कि बॉलीवुड जो है वो वाकई में कमबैक हो चुका है।
तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि हम किस वीडियो पर रिएक्ट दे रहे हैं। एज यूजुअल सरप्राइज वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोग, मैं सरप्राइज वीडियो लिखता हूँ, लोग इंजॉय करते हैं। इसमें है क्या, इसमें है क्या, और पूरी देखते होंगे और मुझे मजा आता है। अब नहीं, अब जैसे मिसाल के तौर पर एक सब्सक्राइबर है, उसको पता है कि BTS पे रिएक्शन है। अब मैं उसको पहले बता दूं कि भाई इस वीडियो पर हमने BTS की रिएक्शन दिया, तो मैं अब कोशिश करता हूं कि टाइटल भी चेंज कर दूं, थंबनेल भी चेंज करूं। तो आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि मैं थंबनेल भी चेंज कर देता हूं, टाइटल भी थोड़ा डिफरेंट रखता हूं, ताकि आप लोगों को, ताकि आप, क्योंकि इस फिलहाल अभी एडिटिंग मेरे हाथ में है तो मैं इन चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को सरप्राइज मिले जब आप वीडियो को देखें कि वीडियो में ये चीज़ की रिएक्शन बनी। हो सकता है आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, आप चाह रहे हो कि वो बाद में हम रिएक्ट करें, लेकिन हमने अभी कर दिया उसके लिए। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चलते हैं अपनी न्यू वीडियो।
क्या बोला वो भाई, क्या क्या बोला जाए इस वीडियो के बारे में, कहां से शुरू किया जाए, कहां खत्म किया जाए। सबसे पहली बात तो मैंने जितनी BTS की वीडियोस पे अभी तक रिएक्शन दिया है, ऐसा अरेंजमेंट मैंने नहीं देखा। इसमें स्टेज था, क्या था वो कि उसमें वॉटरफॉलिंग हो रही है, स्टेज भी उनका नहीं दिखा। नहीं, ऑडियंस तो ऑडियंस तो नो डाउट के इनके कॉन्सर्ट्स के अंदर ऑडियंस तो अनलिमिटेड ऑडियंस होती है। मैं हर दफा ऑडियंस को देख के शॉक होता हूँ, लेकिन स्टेज पे जो मैंने वाटरफॉलिंग देखी है, ये मैंने ऐसा मैंने आज से पहले किसी कॉन्सर्ट्स के किसी स्टेज में नहीं देखा। और इतनी परफेक्शनिस्ट के साथ इन्होंने इतना अरेंजमेंट्स किए होते हैं कि उसमें देखें वो डांस भी इसी वाटरफॉलिंग में कर रहा है, ऑडियंस के ऊपर भी किसी किस्म का कोई वाटर या छींटे वगैरह पानी ये नहीं जा रही, और रात में कॉन्सर्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अरेंज करना, लाइटिंग को अरेंज करना ये इतना आसान नहीं होता, ये बहुत इसके लिए बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है। और मैं सल्यूट करता हूँ BTS को और BTS आर्मी को, BTS की टीम को, कि उन्होंने इतने अच्छे अरेंजमेंट्स कैसे वो मतलब मैनेज करते हैं। ये वीडियो काफ़ी बड़ी थी जिसपे हमने रिएक्शन दिया है, लेकिन बहुत कुछ है इस वीडियो में बोलने के लिए, देखने को भी बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिला है। जब ये वीडियो स्टार्ट हुई तो पहले मुझे लगा कि ये एक रैंप है, जैसे मॉडलिंग रैंप होता है, मॉडलिंग रैंप होता है, तो ये एक रैंप के ऊपर जो वो मॉडलिंग जैसे एक मॉडल्स होते हैं वो परफॉर्म भी करते हैं और रैंप भी करते हैं। शुरू में ऐसा लगा कि वो रैंप हो रहा है, लेकिन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी थीम चेंज होना शुरू हुई सॉन्ग की। एक थीम एंड हुई, फिर दूसरी थीम एंड हुई, फिर तीसरी थीम एंड हुई। और इस वीडियो में इनके हेयर स्टाइल इनके जितनी वीडियोस पे हमने रिएक्शन दिए हैं, इसमें इनके हेयर स्टाइल भी काफी चेंज थे, इनका ड्रेसअप भी काफी चेंज था। और शुरू में जो है वो 3 मेंबर्स थे, फिर ऐसा ऐसा जो है वो इंक्लूड होते रहे इसमें मेंबर्स। और एक चीज मुझे बड़ी शॉक हुई इसमें कि इनकी जो इनका जो गेटअप था ना, जो हर थीम के हिसाब से बहुत जल्दी चेंज हो रहा था, ये जो है ना बहुत ज्यादा शॉकिंग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा इतनी जल्दी ये सब मैनेज करना, चेंज करना। तो बालाजी बहुत जबरदस्त रिएक्शन रहा, हमें बहुत मजा आया इसमें तो वाकई बहुत मजा आया, बहुत कुछ न्यू देखने को मिला, डिफरेंट भी बहुत कुछ मिला। जबकि BTS की वीडियो में हमें हर दफा शॉक होते हैं देखने को मिलता है, लेकिन इसमें तो कुछ नेक्स्ट लेवल जो है ना बिल्कुल ही मुझे देखने को मिला। तो जिन सब्सक्राइबर की तरफ से ये रिकमेंडेशन थी उन सब की अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिल गया तो मैं मेंशन कर दूंगा लाजमी, अगर मिल गए तो बिल्कुल जी। और इजीली जो मुझे मिल जाता है मैं मेंशन कर देता हूँ, और जिनके और नहीं मिल पाते तो मैं मेंशन नहीं करता। तो बालाजी जी आपको रिएक्शन मिल रहा है, ये आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। स्क्रीनशॉट मेंशन हो या स्क्रीनशॉट मेंशन ना हो, नाम मेंशन हो या नाम मेंशन ना हो, आपको आपकी वीडियो पर रिएक्शन मिल रहा है, तो आई थिंक ये बहुत है और बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। जो लोग जहाँ जहाँ से भी प्यार कर रहे हैं, UK, बांग्लादेश, मलेशिया, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान, कराची, इंडिया, मुंबई, इस्लामाबाद, जुहू, XYZ, जो लोग जहाँ जहाँ से भी मैसेजेस कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इस तरीके से प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर अभी हमारे लिमिटेड हैं। हम चाहते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली और ज़्यादा बड़ी हो, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो मतलब वो जो चैनल को देख रहे हैं और वीडियो को देखा है, वॉच किया है उन्होंने, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को ऐसे मज़े के रिएक्शन मिल सके। तो चलते हैं जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।